वोट बीजेपी को देंगे। देखो हम गुजर हैं, हम बीजेपी को ना देंगे वोट, हम सपा को देंगे। हम खुल के कह रहे हैं हम गुजर हैं। गुजर गुजर के शायद भाई पता नहीं ध्यान नहीं होगा। डांस ने छुटा के लाए रात में। पूनम पंडित जी साथ में थी, मैं साथ में था। यादरी में हजारों वर्ष पुराने इतिहास है राजपूतों का, गुजरों का। बहुत ही सुंदर भाईचारा उनके मध्य रहा, लेकिन मुख्यमंत्री एक मूर्ति का रोकने वाला नहीं है। कितना भाजपा जोर लगा ले, अपना अखिलेश यादव जी कुर्सी बैठाने भाई को अड्डी में दिल में बिठे बैठे दिल में काम कर रखा। काम काम एम्बुलेंस के पहिए तक निकलवा दिए योगी सरकार ने, जो अखिलेश ने दी थी। इकाना स्टेडियम बनवा दिया हमारे एक्सप्रेस वे के, हमारे अखिलेश यादव जी के बनाए हुए एक्सप्रेस हो गए। ये लोग उद्घाटन कर करके वोट बटोर रहे, तो इन्हें कह दियो भाई मैं कहन को कह रहा। नमस्कार, इस वक्त हम मेरठ में मौजूद है। आज तो शास्त्री जी ने दिया था, आज ना जवान सुरक्षित है और ना किसान सुरक्षित है, तो इसलिए आज संकल्प लेकर के हर आदमी जाएगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगभग 125 सीटों का सफाया करके एक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाया जाएगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। ये जयंत चौधरी के साथ जो गठबंधन कराया है क्यों कराया है, और मेन रिजल्ट क्या रहेगा इसका? रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। जयंत चौधरी का पश्चिम उत्तर प्रदेश का बहुत अच्छा उनका अपना रुझान है, किसानों के प्रति मसीहा के रूप में काम करते हैं। किसानों के जितना भी हमारा आंदोलन चला जयंत चौधरी ने, लेकिन पिछली बार सिर्फ एक सीट मिली थी जयंत चौधरी को। पिछली बार की बात छोड़ो, उस समय भाजपा के लोगों ने पब्लिक को गुमराह करने का काम किया था, उन्होंने भाईचारे को खत्म करके एक धार्मिक भावना भड़काने का काम किया था। जनता समझ गई है, इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। और आप देख लेना, ये ग्राउंड आपको ये बता रहा होगा कि ये परिवर्तन रैली है, संकल्प रैली है, हर आदमी संकल्प लेकर। चलो मैं दिखाऊंगा भाई, इस तरफ ये जो आप देख रहे हो लगातार, इस तरफ ये मंच जो है उस तरफ लगभग, मैं बात करूं 500 मीटर की दूरी पर, 500 से भी ज़्यादा की दूरी पर मंच है, और लगभग मैं ग्राउंड की बात करूं पूरा ग्राउंड भर गया है। और इस तरफ से पूरी जो लाइन है उस तरफ रोड की है, ये देखिए ढोल नगाड़ों के साथ किस तरह से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ से लगभग कई किलोमीटर की दूरी पर जो है पूरी कतार जो है आपको नजर आओगी, शायद कैमरा ना भी कैच कर पावे। और काफ़ी इस तरफ भी जो है, इस तरफ भी आप देखिएगा कैमरा करके, पूरी जो है लोगों की यहाँ पर इतनी भीड़ शायद मैं पहली बार, इतना जोश, इतना अखिलेश यादव। कहाँ से आए हो? हम राजा से आए हैं। पूरा इतना जोश कैसे बन गया? जोश अपने विधायक को जिताने के लिए और सभा की सरकार बनाने के लिए बन रही है सर। गठबंधन बिल्कुल पक्की बन गई, अभी बनेगी, लेकिन अब वोटिंग तो होने दो। बीजेपी की कमर तोड़ रही है ना आज ही, सारी को देश से निकालनी पार करनी है, देश के भगा देने सारे को, अखिलेश की सरकार बना के रहेंगे, अखिलेश की सरकार, अखिलेश की सरकार, अखिलेश की सरकार। चलो ये देखिए डांस करने लगे भाई, सिर्फ ढोल नगाड़े के साथ, यानी कि जन सैलाब उमड़ा है, जन सैलाब पूरा देख सकते हैं। शायद मैं कहूँगा भीड़ इतनी जगह भी नहीं आया कि जितने यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं लगातार, वाकई में देख सकते हैं भीड़ इतनी है, लगता है अगली बार कुछ भाई बड़ा होने वाला है। भैया यहाँ के नेताजी, ये ग्राउंड तो मैंने ऐसा लगा छोटा पड़ गया यहाँ। हाँ छोटा पड़ गया ये ग्राउंड क्या, और बड़े ग्राउंड भी आ गए आने वाले समय पे, छोटे पड़ेंगे फिर कैसे होगा? ये जो पश्चिम का गठबंधन है ना, ये सत्ता परिवर्तन के लिए संकल्प लेकर जाएगा। ये आमजन का गठबंधन है, ये बहुसंख्यक का गठबंधन है, और ये सत्ता परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्प है। अच्छा संकल्प लिया जाओगा आज? क्या संकल्प लिया जाओगा? योगी सरकार जो इसे उखाड़ फेंकने का, सत्ता परिवर्तन प्रदेश में करने का संकल्प। ये संकल्प पूरा हो जाएगा 2022 में, जनता ने तय कर लिया तो जरूर पूरा होगा, ये भी होगा 2024 का भी संकल्प पूरा होगा। देखने को और कुछ और वोट देखिए, ये चीज भविष्यवाणी जनता तय करती है। अगर जनता ने मन बना लिया कि वर्तमान सरकार को उखाड़ के फेंकना है तो उखाड़ के फेंके। कहाँ से आए जी आप? मैं गौतम बुद्ध नगर से आया हूँ। गौतम बुद्ध नगर विधानसभा क्या लगा? विधानसभा दादरी 62। चलो जी, क्या नाम सर आपका? मेरा जगवीर नंबरदार, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। भाई दादरी से कौन सी जगह बताया?
है हमने दादरी विधानसभा, दादरी विधानसभा से यहाँ पर पहुंचे हैं। ये जो गाजियाबाद में पड़ता है ना, ये गौतम बुद्ध नगर नोएडा, नोएडा में है। लेकिन वहाँ पर क्या लगता है, गुजरों गुजर ज्यादा रहते हैं मेरे ख्याल में वहाँ पर? नहीं, गुजर कम्युनिटी है, लेकिन सभी अब तो मिले जुले हैं क्योंकि शहरीकरण बहुत हुआ है, बाहर से लोग बहुत आए हैं और वहाँ भी जनता पूरी तरह मन बना चुकी है। पहली बार वहाँ समाजवादी का झंडा बुलंद होना है तीनों सीटों पर। क्या लगता है, मतलब गुजर बिरादरी कहाँ वोट देगी? नहीं, गुजर बिरादरी से मतलब नहीं, सर्व समाज साथ है, सर्व समाज साथ है, किसी एक बिरादरी का। इस बार एक बार क्योंकि भाजपा ने सभी समाजों को तोड़ने का कार्य किया, सभी को बांटने का कार्य करा। इनकी नीतियों को आमजन समझ चुका है कि ये लोग जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं उन पे काम न करके केवल भावनात्मक रूप से लोगों को बरगलाने का कार्य करते हैं। नहीं, एक बार दादरी में जो आपने देखा होगा, दादरी में जो मूर्ति का उद्घाटन किया था राजपूत मीर भोज, गुजर सम्राट मीर भोज का, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर जो विवाद हुआ। दादरी में हजारों वर्ष पुराना इतिहास है राजपूतों का, गुजरों का, बहुत ही सुंदर भाईचारा उनके मध्य रहा, लेकिन मुख्यमंत्री एक मूर्ति का उद्घाटन करने आते हैं और दोनों समाजों को आपस में तोड़ने का कार्य करते हैं वो लोग। लेकिन वो समाज समझ चुके हैं, वो आपस में कोई नहीं लड़ाई है, किसी महापुरुष पर कोई विवाद नहीं है, ये केवल और केवल वर्तमान सत्ता द्वारा पोषित षड्यंत्र है। यानी कि सपा और आरएलडी जोड़ने का काम करेगी अभी? सपा और आरएलडी नहीं, जो भी छोटे छोटे गठबंधन है, जो भी छोटे छोटे दल हैं जिनको मिलाकर गठबंधन किया जा रहा है आगामी चुनाव के लिए, वो सभी बहुसंख्यक लोगों को जोड़ने का कार्य करेंगे और सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे वर्तमान लोगों को। बिल्कुल धन्यवाद जी, हमारे साथ यहाँ पर आज देख सकते हैं मेरठ में जो दबत हुआ में यहाँ पर लोग इतने पहुँच रहे हैं, लगातार मैं बताने की कोशिश करूँगा आपको, यानी कि बता नहीं सकते, वाकई में ये बात है कि लाखों में लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। तो इसी के साथ बने रहिएगा। ये देखिए अखिलेश यादव को साथ में ले आया हैं। आई बात करनी है आपसे, बात करनी है थोड़ा, वैसे आया कौन तुम्हें? अच्छा भाई, पिछोड़ा तुमने मैं पिछोड़ा हो नहीं शायद भाई, पता नहीं, ध्यान नहीं होगा। दास ने छुटा के लाए रात में, पूनम पंडित जी साथ में थी, मैं साथ में था भाई, अंदर की बात कर ली। अच्छा, आपने बता था है? मैंने आज तक अपने चैनल उड़ा था, यह बात नहीं बताई, चलो आज बता दो क्या बात हुई थी। भाई को पकड़ के थाने में बैठाया, हम आधी रात को गए, फोन पहुंचा हमारे पास कि हमारे मीडिया वाला थाने में पकड़ रखा है डासन है। हम पहुंचे, पूनम पंडित जी पहुंची और दीपक नागर पहुंचे, और हमने जाके भाई को बोला पुलिस वालों से कि इनको अभी छोड़ के दो। उन्होंने बोला सुबह छोड़ देंगे। मैंने ठीक है, मैं आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सुबह छोड़ देना, और भाई को छोड़ दिया अभी होगा। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, क्या कहना चाहोगे, अभी पूनम पंडित का भी नाम ले दिया, पूनम पंडित तो कांग्रेस में शामिल होगी? हाँ, चलो वो तो सोच है जिसकी सोच है वो, बहुत बढ़िया। चलो जी, यहाँ पर एक बात कहना चाहते हैं आपका, 2022 में बहुमत से सपारी अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बहुमत से आ रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। कितना भाजपा जोर लगा ले, आपका अखिलेश यादव जी कुर्सी बैठाने हैं भाई, मुख्यमंत्री के रूप में देख ले, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना ला भाई, बिल्कुल बना ला भाई। भाई मैं वसीम खोगनी खतौली 15 विधानसभा से, हमने तो अखिलेश यादव को दिल में बिठा लिया, अखिलेश यादव को दिल में बिठा लिया, और भाई सारे नौजवान जितना भी मिल गए जयंद्र अखिलेश की सरकार बना देंगे, इस झुंडी सरकार को वही हरियाणा वाले की तरह मार कर लट्ठे दूर न भगावेंगे। अच्छा भाई, प्रदेश बेहाल हो गया, भुखमरी आ गई, घर में महीने में सरसों का तेल खत्म होता ही पसीने आने लगे 180, और भाई पेट्रोल की तो बात ही ना पूछो, वो वाला काम कर दिया इन्होंने तो, पहले करा 105 और फिर के घटा दे 95-60 करके दिखाओ तो मैं मान जावे। यह झूठी सरकार है, जनता का खून चूसने वाली सरकार है, और उत्तर प्रदेश खासकर अखिलेश गठबंधन को मांग रहा, जयंत जैसा युवा और अखिलेश जैसा युवा किसी नसीब वाले प्रदेश को मिले। हम नौजवानों ने तो इस बार पूरा प्लान बना लिया भाई, इस सरकार को भगा देंगे और अखिलेश यादव को दोबारा कुर्सी पर बिठा देंगे और अपने प्रदेश को खुशहाल बना देंगे। वाह जी वाह, गोदी बैठा रहे हैं भाई, गोदी में दिल में बिठे बैठे दिल में काम कर रखा, काम काम बोल रहा है भाई, 100 डायल दे दी पुलिस वालों को, पहले
ना जाडे में तड़पे थे इब तो गरम एसी चला के 100 डायल में बैठ जा एम्बुलेंस के पहिए तक निकलवा दिए इस योगी सरकार ने जो अखिलेश ने दी थी इकाना स्टेडियम बनवा दिया हमारे एक्सप्रेस वे के हमारे अखिलेश यादव जी के बनाए हुए एक्सप्रेस हो गए ये लोग उद्घाटन कर करके वोट बटोर रहे तो इन्हें कह दियो भाई मैं कहन को कह रहा इस बुलाए मन रहे इस बार भी जातिवाद पर वोट मिल जाएगा देखिए भाईचारा हो गया भाईचारा हिंदू मुस्लिम सारा एक साथ है अखिलेश जी की सरकार बनावे गई बनावे भाईचारा भाईचारा हिंदू मुस्लिम इकट्ठा सारा भाईचारा भाईचारा हिंदू मुस्लिम इकट्ठा सारा सारे गैल गैल खड़े भाई बिल्कुल गैल गैल खड़े सब दोस्त एक मिनट भाई भाई हिंदू मुस्लिम पे विरोध के वोट चुनाव कराती थी भाईचारा हो गया सब खत्म योगी सरकार ने मन तो वहाँ की भाषा वहाँ की लागा भाई की भाई मुजफ्फरनगर के हैं गांव वो खतौली कस्बे का गांव है नंगलरोड के भाई क्या नाम है उसका मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ भाई मेरा नाम दीपक नागर है गांव मछेजा है मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया रुतबा है अपने जेम से 2000 का तेल फूक के मुझको ये नहीं है कि लोभ लालच मैं पार्टी के लिए आधी रात खड़ा हूँ मतलब मैं पार्टी से जुड़ा पड़ा हूँ वैसे भी कि अखिलेश भैया अच्छा काम कर रहे हैं अखिलेश के लिए आधी रात हो जाए दो पूरा दिन चला जाए खड़े खड़े आपका सफाई कोई लाना हमें अजन्नू कह रहे हैं भाई कहीं ना कहीं जो करे पहले जातिवाद है दिन गुजर वोट बीजेपी को देंगे देखो हम गुजर हैं हम बीजेपी को ना देंगे वोट हम सपा को देंगे हम खुल के कह रहे हैं हम गुजर है गुजर गुजर के सपोर्ट में आई ना भाजपा क्या कर दे गुजर को लेकिन भाई साहब युवाओं को 200 किलोमीटर दूर का रोजगार मिलेगा बाहर के लड़के लगाए जाएंगे हमको कोई रोजगार नहीं है क्या अभी देखा ना हम भी तो ना के ये नौकरी है हमें रोजगार दो ना भाजपा कह रही इतने पोस्टर लगा दे इतने रोजगार दे दिए मैं ठाली डोल रहा मुझे क्यों ना दिया रोजगार गुजर लगा जगह पूरा काम करेगा हो जाएगा अब क्या गुजर भी टोटली सपा को देंगे वोट भाजपा के तो जो है मिले वोट वो भाजपा को जाएंगे नहीं तो टोटल गुजर उसको जाएगा सपा को अच्छे जी हाँ हम कह रहे हैं सभी सर्व समाज में जो भाई जो मतलब सोच ही नहीं थे मैंने इतना बड़ा मेला लगेगा याद हो तुमने न्यू लगेगा अगर अगर सुनो अड़े तुमने न्यू लगेगा अगर अड़े सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हो रहे अरे गांव में जाकर रेड़ी पटरी वालों तो बुझो गांव के किसानों तो बुझो नु कहे एक तो गांव में दिखे गैलरी में लट धरा अगर आपका झूठी सरकार वाले मांगने आगे वोट तो अखिलेश सर भाई यहाँ पर आपको देखा एक अलग मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय एक मिनट एक मिनट।